गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 6 अक्टूबर 2023 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द पिंक बॉलवर्म इज सीन इन न्यूज रिसेंटली, इट कॉजेज अ डैमेज टू विच क्रॉप। पिंक बॉलवर्म जो है रिसेंटली न्यूज में देखा गया है, ये कौन सी फसल को नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन ए है राइस यानी कि धान, ऑप्शन बी है वीट यानी कि गेहूं, ऑप्शन सी है कॉटन यानी कि कपास एंड ऑप्शन डी है मेज यानी कि मक्का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिंक बॉलवर्म ये क्या है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट ऑफ कॉटन। ये जो कपास की फसल है, कॉटन की जो क्रॉप है, इसको सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रक्शन, इसको डैमेज पहुंचाने वाला पेस्ट है ये। वैसे तो ये इंडिया में ही नेटिव है, इंडिया में ही ये पाया जाता है, लेकिन अभी ये जो भी देशों में कॉटन की कपास की खेती होती है वहां पर भी ये देखा गया है। पिंक बॉलवर्म्स जो है कॉटन के मेजर पेस्ट हैं, और ये इसके साथ साथ हिबिस्कस जो होता है, ओकरा होता है और हॉली हॉक प्लांट होते हैं, इनको भी अटैक करता है। जो जीईएसी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, उन्होंने रिसेंटली पिंक बॉलवर्म रेजिस्टेंट जीएम कॉटन के फील्ड ट्रायल्स के लिए जो है अप्रूवल किया था हरियाणा के हिसार में। तो ये न्यूज में था, पिंक बॉलवर्म जो है ये कॉटन फील्ड को काफी नुकसान पहुंचाता है, नदरन राजस्थान में, हरियाणा में, साउथ वेस्टर्न पंजाब में। और ये बहुत ज्यादा, जो अगर हम कंपेरेटिवली टाइम से देखें, अभी जो आजकल जो दिन है उसमें जो इसका नुकसान है वो और ज्यादा बढ़ गया है। तो इसके लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि जो पिंक बॉलवर्म रेजिस्टेंट जीएम कॉटन होती है उसमें कौन सा आप बोल सकते हो कि जीन इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो बीटी कॉटन आप बोलते हो, तो वो बीटी है क्या, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द संप्रीति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन। संप्रीति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है किन देशों के बीच में होती है। ऑप्शन ए है इंडिया एंड नेपाल, ऑप्शन बी है इंडिया एंड बांग्लादेश, ऑप्शन सी है इंडिया एंड मालदीव्स एंड ऑप्शन डी है इंडिया एंड भूटान। यहाँ पर आप देख सकते हैं संप्रीति जो है ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक्सरसाइज होती है, हर साल होती है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। इस बार 11th एडिशन हुआ है, कहां पर, इंडिया के मेघालय के उमरोई में। एम क्या है कि दोनों देशों की जो आर्मीज है, इंडिया और बांग्लादेश की, उनमें इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाना, ताकि वो एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर सकें, हेल्प कर सकें, दूसरे के साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कर सकें। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इंडिया एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द वुमेन्स जैवलिन थ्रो इवेंट एट द एशियन गेम्स। अभी आपको पता होगा एशियन गेम्स चल रही है हंगजाऊ में, वहां पर इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल वुमेन्स जैवलिन थ्रो इवेंट में किसने जीता है। ऑप्शन ए है अनन्या कुमारी, ऑप्शन बी है रितु पाठक, ऑप्शन सी है अन्नू रानी एंड ऑप्शन डी है अरुषि शर्मा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अन्नू रानी, यहाँ पर आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं, ये जैवलिन उनकी जो थ्रो करते की है, यहाँ पर ये इंडिया का फ्लैग वो करेंगे। ये पिक्चर्स क्यों लगाई जाती हैं, आपकी विजुअल मेमोरी के लिए, सो दैट आपको एग्जाम्स में इजी है, जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इनकी पिक्चर वहां पर याद आ जाएगी कि ऐसे हमने देखा था कि जैवलिन थ्रो इन्होंने पकड़ा हुआ था, सॉरी जैवलिन है ये थ्रो कर रही थी। तो अन्नू रानी जो है इन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए वुमेन्स जैवलिन थ्रो इवेंट में। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज अन्नू रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बसौली पश्मीना गॉट जीआई टैग रिसेंटली, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट और यूटी इन इंडिया। बसौली पश्मीना को रिसेंटली जीआई टैग मिला है, ये कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से बिलोंग करता है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी है गोवा एंड ऑप्शन डी है तेलंगाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं बसौली पश्मीना, यहाँ पर इसकी आपके रेफरेंस के लिए मैंने पिक्चर भी लगाई है। बसौली पश्मीना 100 साल से भी पुरानी एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है जम्मू कश्मीर के काठुआ जिले से, इसको रिसेंटली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, जीआई टैग मिला है। ये जो क्राफ्ट है काठुआ डिस्ट्रिक्ट की, ये बहुत फेमस है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है, फाइन होती है, और एक फेदर, फेदर क्या होता है, जो पंख होते हैं वैसे इसका वेट होता है, बहुत लाइट वेट होता है। जो एक्सक्यूसिट ये पश्मीना है ये हैंड की हेल्प से स्पिनिंग की जाती है, मैनुअली स्पिनिंग की जाती है आर्टिसंस के द्वारा, और इसमें पेन्स टेकिंग हार्डवर्क होता है, बहुत हार्डवर्क होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है।
इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। आपके लिए क्वेश्चन है कि कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया था बसौली से एक और चीज जिसको जीआई टैग मिला था, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन नेम्ड एज ग्लोबल एम्बेसडर फॉर ओडीआई वर्ल्ड कप 2023। जो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 हो रहा है, आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023, उसके लिए ग्लोबल एम्बेसडर किसको चुना गया है? ऑप्शन ए है एमएस धोनी, ऑप्शन बी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी है हरभजन सिंह एंड ऑप्शन डी है सुनील गावस्कर। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईसीसी ने सचिन तेंदुलकर को ग्लोबल एम्बेसडर फॉर ओडीआई वर्ल्ड कप जो है वो चुना है। ओडीआई मतलब वन डे इनिंग्स। सो सचिन तेंदुलकर के पास रिकॉर्ड भी है कि उन्होंने 650 ओवर, मतलब कि 50 ओवर का जो मैच होता है वन डे इनिंग का, 6 वर्ल्ड कप्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और ये क्या करेंगे, वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ वॉक करेंगे। जब ओपनिंग मैच होगा, फर्स्ट मैच होगा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, उससे पहले ये वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेके वॉकआउट भी करेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सचिन तेंदुलकर। और जो इस बार का आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 है, ये कहां पर होने वाला है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड इज कन्फर्ड बाय, नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड ऑप्शन डी है नीति आयोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड ये दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स के द्वारा हर साल दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? जो एनएसएस के स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट वॉलंटियर्स होते हैं, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करता है। एनएसएस के जो प्रोग्राम ऑफिसर्स होते हैं, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स होते हैं कम्युनिटी सर्विस में, उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहती है उसको ये रिकॉग्नाइज करता है। उनको ये अवार्ड दिया जाता है, वो और मोटिवेट हों, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है उनके एफर्ट्स को। एनएसएस क्या है, एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम है जो कि 1969 में लॉन्च हुई थी। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो स्टूडेंट यूथ है उसकी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर को डेवलप करना, वॉलंटरी कम्युनिटी सर्विस। वॉलंटरी क्या होता है, इच्छा से जो कम्युनिटी सर्विस करते हैं। हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड देते हैं। इन्होंने इस बार उन्होंने 2021-22 के लिए अवार्ड दिए हैं राष्ट्रपति भवन में। 1993-1994 से अवार्ड देने स्टार्ट हुए थे, हर साल उस टाइम से दिए जाते हैं। इसके साथ साथ आपको एनएसएस का पता भी होगा, हर आई थिंक ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट ने स्कूल में या कॉलेज में एनएसएस में पार्टिसिपेट भी किया होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द 2023 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर हैज बीन वन बाय, 2023 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला? ऑप्शन ए है एनी अर्नॉक्स, ऑप्शन बी है लुई ग्लूक, ऑप्शन सी है पीटर हैंडके एंड ऑप्शन डी है जॉन फॉश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नॉर्वे के ऑथर हैं जॉन फॉश, उनको मिला है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2023 के लिए। पहले 2022 में ये फ्रेंच के ऑथर थे एनी अर्नॉक्स, उनको मिला है। 2021 में तंजानिया के एक नॉवलिस्ट थे अब्दुल रजाक गुरना, उनको मिला। 2020 में अमेरिका के पोएट थे लुई ग्लूक, उनको मिला। और 2019 में ऑस्ट्रेलिया के राइटर थे पीटर हैंड, उनको मिला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, न्यूज में है, यहाँ पर उनकी पिक्चर की इलस्ट्रेशन की गई है। तो ये जो अवार्ड है कौन देता है, स्वीडिश अकेडमी होती है, वो अनाउंस करते हैं इनके नाम। ये अवार्ड उनको क्यों मिला है, क्योंकि उन्होंने जो जिन लोगों की मतलब कोई से नहीं थी, जिनके पास कोई पावर नहीं थी, उनको वॉइस देने के लिए उन्होंने काफी प्लेस जो है वो उनके इनोवेटिव रहे हैं, उन्होंने जो प्लेस लिखे हैं। नोबेल प्राइज अकेडमी जो है उन्होंने इनके वर्क को, जो कि नॉर्वेजियन लैंग्वेज में लिखा गया है, नाइर नॉर्क्स, ये नाम है जो इनका बॉडी ऑफ वर्क है, जिसमें बहुत सारे प्लेज हैं, जो नॉवेल्स हैं, पोइट्री है, कलेक्शन है, ऐसे बच्चों की बुक्स ट्रांसलेशन। तो नॉर्वेजियन नाइर नॉर्स्क जो है इस लैंग्वेज में लिखे गए हैं। अभी ये मोस्ट वाइडली परफॉर्म्ड प्लेराइट है वर्ल्ड में, लेकिन पहले ये अपने प्रोज के लिए जाने जाते थे। जो ये अवार्ड होता है इसमें 10 मिलियन स्वीडिश करोना मिलता है। वर्ल्ड के मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटररी अवार्ड है, काफी फेमस और काफी ग्लोरियस ये अवार्ड है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इससे पहले हमने बायोलॉजी में, सॉरी केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी में,
मेडिसिन में या फिर फिजिक्स में, इनमें भी हमने जो डिस्कस कर लिए हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज जॉन फॉश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नोबेल लॉरेट इन फिजिक्स 2023 इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर। यहाँ पर आपको नाम नहीं पूछा, ये पूछा गया है कि फिजिक्स में के लिए जिनको अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज 2023 में, किस लिए मिला है। ऑप्शन ए है डिस्कवरिंग नैनो पार्टिकल्स, ऑप्शन बी है जनरेटिंग एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट, ऑप्शन सी है डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन थ्योरी एंड ऑप्शन डी है इन्वेंशन ऑफ स्पेस फ्यूल फोर्सेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फिजिक्स के लिए अवार्ड मिला था वो सबसे पहले तो किनको मिला था, पियरी अगोस्टिनी, फेरेंस क्रॉस एंड एनएल ह्यूलियर, इनको मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने जो एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट के लिए जो मेथड्स हैं, जिस मेथड से एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट जनरेट होती है वो इन्होंने जो डिस्कवर की, इसकी हेल्प से वो इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स की जो मैटर में स्टडी है वो कर सकते हैं। इन्होंने एक नए टूल्स जो है वो बनाए हैं इलेक्ट्रॉन्स की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज जनरेटिंग एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट। आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये अवार्ड किसको मिला, ये भी आ सकता है कि ये अवार्ड उनको किस लिए मिला, तो आपको हर चीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट IEA क्रिटिकल मिनरल एंड क्लीन एनर्जी समिट वॉज हेल्ड इन। IEA क्रिटिकल मिनरल एंड क्लीन एनर्जी समिट पहले कहां पर हुई है? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है यूएसए एंड ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट IEA क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी समिट जो है रिसेंटली फ्रांस में हुई है, फ्रांस के पेरिस में हुई है। इस समिट को काफी इंडस्ट्री लीडर्स ने, इन्वेस्टर्स ने, सिविल सोसाइटीज ने, 50 देशों से लोगों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। समिट ने 6 जो की एक्शंस आइडेंटिफाई किए हैं सो दैट क्रिटिकल मिनरल्स की जो सप्लाई है वो होती रहे। कौन कौन से है? एक तो है एक्सेलरेट प्रोग्रेस टुवर्ड्स डाइवर्सिफाइड मिनरल सप्लाईज, कि जो अलग अलग डाइवर्स मिनरल सप्लाईज हैं उसके लिए जो प्रोग्रेस उसको बढ़ाना है, पावर ऑफ टेक्नोलॉजी उसको अनलॉक करना है, रिसाइकलिंग को उन्होंने किया है कि पोटेंशियल स्ट्रेन जो है कि सप्लाई में कोई कमी ना आए तो रिसाइकलिंग को यूज करना है, देन मार्केट में ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना है, देन अवेलेबिलिटी है जो इन्फॉर्मेशन की उसको बढ़ाना है, इंसेंटिव जो है क्रिएट करने हैं सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस के लिए, जैसे कि रिवॉर्डिंग इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस एफर्ट्स हो गए, देन है इंटरनेशनल कोलेबोरेशन को फॉस्टर करना है। तो ये 6 उन्होंने एक्शंस किए हैं कि ये 6 एक्शंस लेके हम क्रिटिकल मिनरल्स की जो सप्लाई है वो रिलायबल कर सकते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि आजकल की मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि मेन कंपोनेंट की तरह काम करते हैं, लेकिन वो उनकी जो सप्लाई चेन है वो काफी डिसरप्टेड रहती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्रिटिकल मिनरल्स कौन से होते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज फ्रांस। सिटी पूछ लिया जाए तो कहां पर हुआ है? पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चिकम नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। द चिकम नेशनल पार्क जो है कहां पर है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी है उत्तराखंड। यहां पर आप देख सकते हैं द चिकम नेशनल पार्क जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर के जबरवान माउंटेन रेंजेस में। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिसेंटली एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन अनवील की है इको सेंसिटिव जोन के लिए, द चिकम नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये जो एरिया है नेशनल पार्क है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है, इको सेंसिटिव जोन होते हैं कि एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह क्रिएट की जाते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए, सो दैट ये जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है इसको नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो, कि जो आसपास की ह्यूमन एक्टिविटीज है वो यहां तक उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कम से कम पहुंचे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। आपके लिए क्वेश्चन है कि द चिकम नेशनल पार्क में कौन कौन सा मेन फौना मिलता है। फौना क्या होता है? जो वहां पर वाइल्ड लाइफ मिलती है, एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह, वो कौन से हैं मेन वहां पर जो मिलते हैं? यहाँ पर आप हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम देख सकते हो, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।